विद्यार्थियों, आज हम जो है जो टाइप का जो इंटीग्रल याद करेंगे, वन अपान ए प्लस बी कॉस एक्स या वन अपान ए माइनस बी कॉस एक्स, यानी कि इंटीग्रल ऑफ दी टाइप वन अपान ए प्लस बी कॉस एक्स या वन अपान ए प्लस बी साइन एक्स, वन अपान ए माइनस बी कॉस एक्स, वन अपान ए माइनस बी साइन एक्स। तो आपको इस वीडियो में वन अपान ए प्लस बी कॉस एक्स और वन अपान ए माइनस बी कॉस एक्स पर हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में वन अपान ए प्लस बी साइन एक्स, वन अपान ए माइनस बी साइन एक्स, दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन आप देखिए कैसे होगा कि इसमें क्या करेंगे, जब ए प्लस बी कॉस एक्स रहेगा तो जो कॉस एक्स का फार्मूला है होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर वाई एक्स वाई टू है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, और जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो टेन एक्स वाई टू के पदों में रहेगा। तो हम टेन एक्स वाई टू को टी मान लेंगे, आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, देखिएगा आप लोग कैसे करते हैं। डी एक्स अपान फाइव प्लस फोर कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, डी एक्स अपान इसको लिख सकते हैं फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस फोर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अरे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू हम सिक्स स्क्वायर एक्स वाई टू लिख देंगे ऊपर। और यहाँ फाइव और फोर नाइन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब टेन एक्स वाई टू हम टी मानेंगे, टेन एक्स वाई टू इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स डी टी, तो सिक्स स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स हो जाएगा टू डी टी, ऊपर हो जाएगा टू डी टी अपान नीचे हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो टू अपान थ्री टेन इनवर्स टी अपान थ्री प्लस थ्री, तो टू बाई थ्री टेन इनवर्स टेन एक्स वाई टू अपान थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ए प्लस बी कॉस एक्स के रूप में, तो हम क्या करेंगे कॉस एक्स को लिख देंगे वन अपान थ्री प्लस टू, कॉस एक्स को वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, जाएंगे वन अपान थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, टू माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, यहाँ थ्री टू क्या हो जाएगा फाइव प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई। अब टेन एक्स वाई टू को हम क्या मानेंगे टी, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स हो जाएगा टू डी टी, ऊपर हो जाएगा टू डी टी अपान रूट फाइव के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टू अपान रूट फाइव टेन इनवर्स टी अपान रूट फाइव प्लस टू अपान रूट फाइव टेन इनवर्स टी की वैल्यू टेन एक्स वाई टू अपान रूट फाइव प्लस कॉस एक्स के रूप का है। तो कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन टू प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करेगा, उड़ के ऊपर आ जाएगा
ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स, और यहाँ tan स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस थ्री। अब फिर क्या करेंगे, tan एक्स वाई टू को t मानेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स डी टी टू डी टी, ये वन बाई टू उधर जाएगा टू डी टी हो जाएगा, टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर रूट थ्री की स्क्वायर हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टी अपॉन रूट थ्री प्लस सी। तो टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टी की वैल्यू टेन एक्स वाई टू अपॉन रूट थ्री प्लस सी। वन अपॉन ए माइनस बी कॉस एक्स है, तो क्या करेंगे कॉस एक्स का सूत्र रखिए, 4 माइनस फाइव कॉस एक्स का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अभी ऊपर जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ हो जाएगा 549 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन थ्री टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। अब थ्री टेन एक्स बाई टू को टी मानिए, थ्री सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स होगा टू डी टी, क्योंकि एक्स वाई टू का वन बाई टू था टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स हो जाएगा टू बाई थ्री डी टी, हो गया टू बाई थ्री डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है, तो टू बाई थ्री इंटू वन अपॉन टू ए लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, वन बाई थ्री लॉग टी की वैल्यू थ्री टेन एक्स वाई टू माइनस वन थ्री टेन एक्स वाई टू प्लस वन प्लस सी का है। क्या लिखेंगे कॉस एक्स को, क्या लिख देंगे बच्चों, फाइव प्लस थ्री वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, यह हो जाएगा डी एक्स अपॉन फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स अपॉन फाइव थ्री क्या हो जाएगा एट प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, चाहे बाहर ले लीजिए वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स अपॉन फोर प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, राइट, ये तो गेट टू काम ले लिए। अब टेन एक्स वाई टू को टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स टू डी टी, तो ऊपर हो जाएगा वन अपॉन टू टू डी टी अपॉन टू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो वन अपॉन टू टेन इनवर्स टी अपॉन टू प्लस सी वन अपॉन टू टेन इनवर्स टेन एक्स वाई टू अपॉन टू प्लस सी।